जहांगीराबाद ब्लॉक के गांव सांखनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक और प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रियाजत अली। रियाजत जी, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हैं? नहीं नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्या मन में विचार आया जिसको लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, मन में विचार ये है कि यहाँ की जो आवाम है, हमारे गाँव की जनता है, बहुत परेशान है पिछले 40 सालों से, और यहाँ तक के आज तक ना तो कोई विकास हुआ है, ना एजुकेशन पे कोई काम हुआ है। आज तक इस गांव में, इतनी बड़ी बस्ती में, कस्बे में एक भी बारात घर नहीं है। लोग ज़मीन में बैठकर खाना खाते हैं, जितनी भी शादियां होती हैं गांव जी। आज तक हमारे यहां कोई भी हॉस्पिटल, छोटा सा भी डिस्पेंसरी नहीं है हमारे यहां। अक्सर कई गांव में हमने जाके और भी दौरा किया है, हमने गांव-गांव जाके जैसे देखा है, पंचायत घर गांव में होता है। आपके गांव के अंदर एक भी पंचायत घर नहीं है जहां पंचायत की जाए। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव को दिया गया सरकार की तरफ से, वो भी नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमने मुद्दा बनाया है अपना, और ये हमारा मेन मुद्दा है, पंचायत घर और डिस्पेंसरी, ये हमारे मेन मुद्दे हैं। गांव की सड़कों की अगर बात करते हैं, गांव की सड़क आपके सामने जहां खड़े हुए हैं, यही नज़र मार दें इसी सड़क पे, ये देख लिए, इस गांव की सबसे बुरी सड़क है ये इस वक्त में, और ये इस सड़क पर तकरीबन 5 कॉलेज हैं, मतलब इंटर कॉलेज भी है, पब्लिक स्कूल भी है, ये मेन रास्ता है, इसकी फ़ोटो डाल दीजिए आप, आपके सामने, और ये पिछले इलेक्शन में शायद दिखा भी चुकी है बनी हुई। एक बात बताइए, इलेक्शन जब लड़ते हैं प्रधान या कोई भी MLA हो, सांसद हो, सब लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, है ना, मगर जब जीत जाते हैं तो जीतने के बाद में ढाक के तीन पात वही के वही। गांव हर बार प्रधान चुनता इसलिए कि शहर से योजनाएं लाकर वो गांव को चमका देगा, विकास कराएगा, मगर बाद में होता क्या है, गांव जैसे कि तैसे रह जाता है। आज अगर बात हम करते हैं, काफ़ी समय हो गया उसके, जैसे प्रधानी कई, कितनी प्रधानी आपके यहाँ रही होंगी? तकरीबन 72 से चालू है हमारे यहाँ प्रधानी, सन 72 से और अब तक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। नहीं, तो ये बड़ी चिंता की बात है, खासकर तो ये हम इसी के ऊपर बोल रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं इन्हीं बातों पे। हम ये जनता से बारात घर का और ये डिस्पेंसरी का, स्वास्थ्य केंद्र का, ये हम एक बात और बताइए, गांव वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कहीं बाहर रहते हैं तो यहाँ कैसे काम? नहीं नहीं, देखिए, मेरा घेर जहाँ खड़े हुए हैं, मेरा परिवार है सब यहाँ, मेरे भाई यहीं टीचर हैं, मेरी खेती बाड़ी है, ज़मीन जायदाद। तो आपको ही क्यों चुने गाँव वाले, कोई ऐसी खूबी तो बताइए। खूबी ये है कि क्या नाम ले में जनता जागरूक है, जो गरीब लोग हैं यहाँ के, बहुत परेशान हो चुके हैं, और वो हमारे पास आए, हमसे उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, हम आपका साथ देंगे और आप गांव के लिए। यानी गांव वालों ने खुद आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गांव वालों ने। चलिए, एक भैया और हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके समर्थक हैं। क्या नाम है आपका? अख्तर रजा। अख्तर जी, थोड़ा सा बता दीजिए इनके बारे में, रियाजत जी के बारे में, कि कैसे हैं, इंसान हैं, कैसे जीतेंगे? इंसान तो जब हम इनके समर्थक हैं तो बेहतर है, लेकिन ये तो आप गांव-गांव जाके किसी भी न्यूट्रल आदमी से पूछ लीजिए कि बिना स्वार्थ, बिना लालच के चुनाव। आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको फायदा मिलेगा उस चीज़ का भी? बिल्कुल बेशक, इसमें बिल्कुल कोई सत्ता में गुंजाइश नहीं है के सेंटर में और स्टेट में, और इंशाल्लाह ताला 2022 इलेक्शन में भी भाजपा वापस। चलिए, जनता अगर इनको चुन लेती है, मौका देती है गांव की जनता, तो गांव के लिए आप बताएं कि क्या ऐसा कुछ करवाएंगे ताकि गांव वाले उनको चुने? देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्लान है, जो हमारा बेस है, उस बेस में जो है हमारी ITI है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को एक लेवल तक शिक्षा दे पाते हैं, उसके बाद वो अफोर्ड नहीं कर पाते शिक्षा को। तो जो बच्चे हमने देखा है कि 10th 12th कर ली, आगे उन पे कोई, उनका कोई फ्यूचर या इस तरीके से मजबूती नहीं मिलती, तो हमारी ये कोशिश है, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे। तो हम गांव के लिए, आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, गांव के लिए कुछ और भी आपने कराया इससे पहले या बाद में जीतने के बाद ही सब कुछ कराया? नहीं नहीं, हमने अभी भी, हमने कल भी, हमने घोषणा करी है कि गांव का किसी भी धर्म या जाति का कोई भी छात्र या छात्रा, यानी कि कोई बॉय, लड़का हो या लड़की हो, अगर पुलिस में नौकरी पाता है तो उसे 151,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, ताकि वो तैयारी करें हौसला अफजाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रोत्साहन राशि है ताकि बच्चे भविष्य में फोर्सेज में जाएं, और उसके अलावा हमारे भाई रियाजत अली प्रधान जी ने ये भी कहा है कि जो
बच्चे 10वीं और 12वीं हैदरी इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लड़का हो या लड़की, और असक्षम है अपनी फीस भरने में, तो उनकी फीस रियायत अली प्रधान जी भरेंगे। ऐसा किया भी है, हाँ। अभी अभी पिछले दिनों में किया भी है, ऐसा किया आपने। चलिए, आपसे तो हमने बातचीत कर ली, कुछ गाँव के लोग भी मौजूद है। क्या नाम है? शराफत हुसैन। थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या चुनना चाहते हैं वाकई रियाज़त जी? जी, ये मतलब गरीबों के हक के लिए काम करना चाहते। क्या काम कर दिया आप आपसे पहले? इससे पहले ये इंटर कॉलेज में फीस जो बच्चे कमज़ोर जो न भर पाते, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया। गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, बच्चों पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। और क्या किया? और भी वैसे भी सहायता करते रहते हैं गरीबों के लिए, जैसे कि किसी गरीब के घर में शादी भी आगे। चाचा, आपसे बात कर लें, क्या नाम है आपका? कायम अली। क्या चाहते हैं इस बार कौन प्रधान बनना चाहिए? प्रधान जी रियायत अली बनना चाहिए, ये बहुत सुविधा करेंगे। और कैसे उम्मीद जता रहे हैं आप? कैसे उम्मीद? अच्छे घर के लोग हैं ये, वो खाते पीते हैं, और जो भी मतलब प्रधान आता है वो अपना ही घूस भरता है। अब ये अपने घर के खाते पीते हैं ये गरीबों। एक बात बताइए, आपके गांव के अंदर ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है, है ना, ना कोई पंचायत घर है, ना कोई बारात घर है, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। साफ़ सफाई की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाइए, थोड़ा सा इधर आने की कोशिश करें, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर हो जाइए। देखिए, ये वाकई अगर प्रधान की लापरवाही नहीं कहें तो हम क्या बताएं। चलिए थोड़ा सा गाँव की ओर चलते हैं, और ये गांव का नाला है, थोड़ा यहां भी दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये नाला एक जमाने से अटा हुआ। अच्छा, एक बात हम पूछेंगे चाचा, ये नाले की गहराई कितनी है? ये गहराई करीब 8 फुट, 5 फुट के करीब होगी। 5 फुट है या 8, एक बताइए। लगभग 8 फीट है जी, 8 फीट के करीब है ये, इसकी बहुत ज्यादा गहराई है, ये कूड़ा भरते हुए। अगर 8 फीट की इसकी गहराई है और ये पानी से लबालब है, ऊपर इसके कूड़ा है, अगर बच्चा गिर गया तो? जहाँ से अब ये दिखाई दे रहा है यहाँ से 8 फीट है, ना कि यहाँ से 8 फीट भाई, कूड़े के नीचे से 8 फीट है इसकी गहराई। तो बच्चा या बड़ा, 8 फीट तो बहुत होता है इसमें, तो बड़ी दिक्कत। इसमें कई चीज़ें गिर जाती हैं, ये कूड़ा जो है इसमें फंस जाती है। चलिए और दिखाते हैं, थोड़ा सा और दिखा देते हैं, एक बार और थोड़ा सा दिखाने की हम कोशिश करेंगे गाँव के अंदर। ये देखिए, ये मेन रास्ता है सामने, ये दिखाएं यहाँ से। वाकई अगर साफ सफाई हुई होती, ये महीनों से साफ सफाई नहीं हुई। और सामने थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, जो सामने देख रहे हैं आप, ये कॉलेज है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है, साफ़ सफाई का खास तौर पे ध्यान रखना होता है, मगर उसके बावजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल हुसैन है। यहीं रहते हैं आप? जी, मैं यहीं रहता। इस गांव की सफाई कब से नहीं हुई? इस गांव की सफाई तो बराबर चलती रहती है, लेकिन अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले से नहीं हो रही। बस क्यों, क्या वजह रही है? अब ये तो प्रधान जाने क्या वजह रही, क्यों ना करा पाए। तो हर महीने साफ सफाई होती है डेली? हर महीने नहीं, जब यहाँ ज़्यादा गंदगी हो जाती है तभी सफाई करते हैं। हाँ, तो ये ज़्यादा गंदगी, अब ये जैसे मकान सामने, ये नाला है, है ना, ये मकान सामने दिखाई दे रहा है, इसके बराबर में ये मकान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हट जाइए, ये देखिए, यहाँ ये घर में भैया घुस गए, नाले के बिल्कुल जस्ट सामने मकान है। जाहिर सी बात है कि ये बीमारियाँ उगल रहा है और लोग इसे निगलने के लिए मजबूर हैं। चलिए देखते हैं और गाँव का हाल क्या, और भी गाँव के यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप इसी गाँव के सर? जी। तो इस बार कुछ अच्छा हो जाए गांव के अंदर, जो साफ सफाई नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और भी कई सारे मुद्दे होते हैं, लाइट को लेकर होता है, तो किसको आप प्रधान चुन रहे हैं? हम रियाजत के प्रधान चुनना चाहते हैं, क्योंकि रियाजत ने तो प्रधानी से पहले भी इतना कुछ कर दिया कि शायद आज तक 1972 से लेकर आज तक किसी प्रधान ने नहीं करा। क्या कर दिया जी, थोड़ा बताएंगे? जाड़ों में 1500 कंबल बंटवाए, पूरे गांव में लाइटें लग रही हैं, जाके देख लो। और अब से 2-3 साल पहले किसी की गरीब बेटी की हमारे पास रियाजत के पास फरमाइश आई, उसे पैसे दिए, ये भी सबूत है। और क्या कराएगा इससे ज़्यादा, बताइए। इलेक्शन पहली बार लड़ रहे हैं आपसे? पहली बार, फर्स्ट चांस। तो इनका मतलब इलेक्शन लड़ने का जो मतलब मन में ख्याल है, ये गांव वाले लेकर आए, आप लोगों ने? ये गांव वालों ने हमसे सिफारिश लगवाई, हम भी दिल्ली में ही रहते हैं रियाजत के करीब, यानी बिना किसी लालच के मदद कर रहे हैं, बिना लालच के किसी के। आप ये सही कह रहे हैं जी? ये सही कह रहे हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतना काम नहीं किया प्रधान बनने से पहले। प्रधान बन के तो योजनाएं आते हैं, कुछ लगा देते हैं, कुछ खा लेते हैं, लेकिन लोगों ने इनसे फरमाइश की कि आप पॉलिटिक्स में आइए और आपकी ज़रूरत है इस गांव को, आप कुछ दे सकते हो। इन्होंने हमसे वादा किया जनता से कि मैं ITI लेकर आऊँगा, स्वास्थ्य केंद्र लेकर आऊँगा, बारात घर बनवाऊँगा, ये इनके वादे हैं। और क्योंकि लोगों को बिलीव यूँ है, ऑलरेडी ये पहले काम कुछ कर चुके हैं, जिस तरह से गरीबों के लिए कुछ मदद होती है और इनका
मेन मुद्दा है राशन करप्शन, राशन में बहुत करप्शन होता है यहाँ, इसी को इन्होंने मुद्दा बनवाया हुआ है। और इनका ये कहना है कि हम राशन भी घर घर डिलीवरी दिलवाएंगे, घर घर पहुँचवाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये बात साहब आपकी ठीक है, लॉकडाउन चला था अभी जी, लॉकडाउन के दौरान जो गरीब लोग हैं भुखमरी की कगार पर आ गए जी, क्योंकि रोज के लाने खाने वाले लोग ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, है ना। इस दौरान भाई ये पैसे वालों में गिनती आती है रियाज भाई जी, इन्होंने यहाँ गांव वालों की मदद की थी क्या, सच बताना। जी जी बिल्कुल, ये सच बात है, मदद की थी कुछ, मतलब कुछ लोगों को राशन भी पहुँचवाया और पैसे से भी मदद की उन लोग, कुछ बच्चों की फीस अब जमा कर रहे हैं जो लॉकडाउन में जमा नहीं हो पाई। हमने बहुत कोशिश की क्योंकि हमारा जो इंटर कॉलेज है ये ट्रस्ट के अंडर है, ट्रस्ट वालों ने हमारी नहीं। आप कब जमा कर रहे हैं, यानी आप चुनाव के दौरान आपसे पहले की? पहले पहले कर चुके, अब नहीं, अब से पहले लॉकडाउन खोलने के बाद कर चुके हैं। लॉकडाउन के बाद में जी, लॉकडाउन में फीस चल रही थी बच्चों पे, हाँ। वो फीस वो बाद में जमा करी है। चलिए और एक चीज जी, हमारा जो मेन मिशन है अमन शांति, यानी कि जो यहाँ दुश्मनियाँ चली आ रही हैं उन्हें मेन मोटिव है इसे खत्म करना, अमर और अमन और शांति का खुशहाल वतन रखना चाहते हैं, यही इनका मेन वो है। गांव में शांति रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और गांव के अंदर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है, और इस राजनीति को ख़त्म करने के लिए ग्राम प्रधान कोशिश करे तो वाकई ख़त्म भी हो सकती है। चलिए और गांव के एक दो लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं कि इस बार किसको ग्राम प्रधान वो लोग चुन रहे हैं। यहाँ जानकारी जुटाएंगे कि बात, क्या नाम है सर आपका? सतपाल है जी। सतपाल, सतपाल जी, सतपाल जी, गांव में बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है जी सर, थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए इस बार किसको चुन रहे हैं आप प्रधान? क्या पता पड़े क्वेश्चन है, अब तो ये पब्लिक बताएगी, जिसके ज़्यादा वोट आ जाएंगे मुझे जाएगा। हम बात ईमानदारी की आपने कही, हम क्या? अच्छा ये बता दीजिए, गांव की कोई मदद करने के लिए जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, 6 प्रत्याशी आपके गाँव में हैं, कोई सामने आया था ये सब लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन चल रहा था ना, कोई ऐसा कोई ना आया? जब जितने प्रत्याशी हैं किसी ने मदद नहीं की? नहीं, ये इन्होंने मास्टर जी ने थोड़ा बहुत शासन बांटा है, और कुछ मास्टर जी कौन? ये लियाकत मास्टर जी हैं। ये लियाकत जी कौन है? ये मास्टर जी के भाई हैं, रियाजत जी के भाई हैं लियाकत, इन्होंने मदद की। चलिए बहुत, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम साबू है। साबू कहाँ रहते हैं? सांगनी। अब बताओ किसको प्रधान चुन रहे हैं, ग्राम प्रधान? मेरी तरफ देखिए, सिर्फ आई कॉन्टेक्ट हमारा और आपका होना चाहिए, किसको आप ग्राम प्रधान चुन रहे हैं ईमानदारी से बताओ। हम नहीं कह सकते सर, ऐसा है गाँव में हमें सब बराबर। बहुत अच्छी बात कही। आपका नाम? बख्तावर। बख्तावर, हाँ जी। मैं तो डर गया यार, आपका नाम ऐसे ना एक मूवी में देखा था मैंने। चलो बता दो इस बार ग्राम प्रधान किसको चुन रहे हैं? बख्तावर जी। इन्हें चुना जाएगा। किसको? रियाज भाई को। रियाज भाई, हाँ जी। क्यों? तो अच्छा आदमी है, स्मार्ट है, इसलिए स्मार्ट ना, वैसे भी विकास भी करवाएंगे। विकास करवाएंगे, कैसे भरोसा जताएं? अब ये तो आगे पता पड़ेगा जीतने के बाद। अब तक आप क्यों भरोसा जता रहे हैं, ऐसा क्या कुछ किया इन्होंने? ना करा भी है मास्टर जी, मास्टर जी अच्छे आदमी है। मास्टर जी अच्छा, तो वोट मास्टर जी की वजह से दे रहे हैं या रियाजत जी की वजह से? ना अच्छाई की वजह से। अच्छाई की वजह से। चलिए, गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि रियाजत जी को इस बार हम मौका देंगे, ग्राम प्रधान चुनेंगे उनको, अब देखेंगे कि अगर गांव इनको चुनता है तो गांव को कितनी तरक्की की ओर लेके जाते हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात ब्रंच। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना, तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़ बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना, तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान, और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गाँव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर।
बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, पे डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी मामन रोड बुलंदशहर।